हाय फ्रेंड्स, आप सभी को एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इजी एजुकेशन में। जो भी साथी चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले देखने के लिए। और साथ में हम अपने डिस्क्रिप्शन में फेसबुक ग्रुप का लिंक दे देंगे, आप वहाँ से जुड़कर जो भी डाउट हो आप वहाँ से क्लियर कर सकते हैं। और हमारा ये पाठ है, हमारा आज का टॉपिक है संधि। मैंने संज्ञा सर्वनाम विशेषण पर मैंने वीडियो बनाया हूँ, वो वीडियो भी आप देख लीजिएगा अगर उस, और नहीं तो मैं उस वीडियो का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उस वीडियो का लिंक आप वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं संधि। तो आज हम संधि पे बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि संधि से एग्जाम की दृष्टि से जितने भी संधि पे क्वेश्चन बनेंगे वो मैं इस वीडियो में कवर करेंगे, और एग्जाम की दृष्टि से एक भी क्वेश्चन मैं नहीं छोड़ूंगा आपको। तो मैं स्टार्ट करता हूँ संधि। तो संधि का जो शाब्दिक अर्थ होता है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है मेल। संधि का शाब्दिक अर्थ शाब्दिक अर्थ मेल होता है। एग्जाम पूछता है कि संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो संधि का शाब्दिक अर्थ मेल होता है, अर्थात मेल या जोड़ा होता है। तो संधि का शाब्दिक अर्थ मेल होता है। यह आपको याद करना है कि संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो संधि का शाब्दिक अर्थ मेल होता है। अगर डिफिनेशन की इसकी बात करूं, इसका डिफिनेशन की मैं लिख रहा हूं, डिफिनेशन इसका डिफिनेशन होता है कि दो निकटवर्ती दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से मेल से जो विकार उत्पन्न होता है बोला कि दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार बोले कि दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से परस्पर मेल से जो विकार विकार का मतलब होता है परिवर्तन। यहाँ पे लिखा विकार का मतलब होता है परिवर्तन। दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। या पिकोप में यहाँ पर डिफिनेशन लिख रहा हूं कि वर्णों के मेल को हम संधि कहते हैं। इसका मैं कोई डिफिनेशन की लिखा हूं कि वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। तो आपको जो डिफिनेशन अच्छा लगे आप वो लिख सकते हैं। एक बात और भी बता दूं कि जो ये संधि है, ये संधि हमारे ये व्यंजन संधि है। मैं फिर रिपीट करूं कि हमारा संधि जो है ये खुद एक व्यंजन संधि है। जो हमारा संधि है ये खुद एक व्यंजन, अपने आप में ही एक व्यंजन संधि है। ये आपको छूट रहा तो मैं आपको इसको बताते रहा हूं। तो बोला कि दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं, या फिर वर्णों के मेल को हम संधि कहते हैं। या संधि सार्थक शब्दों पर निर्भर करती है। इसमें ह्रस्व और दीर्घ का कोई भेदभाव नहीं होता है। मैं एक बार फिर रिपीट करूं, इसमें संधि में सार्थक शब्दों पर निर्भर करती है, ये और हर्ष और दीर्घ का कोई भेदभाव नहीं होता है।
जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल लिखूं यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए, फॉर एग्जाम्पल जैसे रामायण, मैं एग्जाम्पल लिखूं रामायण, इसका संधि निषेध होता है रामायण, ये मैं ये स्वर संधि का है, मैं इसको मैं आगे बताऊंगा। इसका जो होते हैं रामायण, रामायण में जो इसका संधि निषेध होता है राम प्लस आयन। मैं बताऊंगा कि आयन कहां से आया, ये कहां से आया, तो मैं इसको चाहूं तो इस यहीं पे मैं चर्चा कर सकता हूं, लेकिन अभी यहां पे चर्चा करने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आगे इसको मैं बताऊंगा जो वहां पे आपको एक अच्छा मैं बताऊंगा कि आपको एक चुटकियों में आप सीख जाएंगे कि हम संधि कैसे करते हैं। तो आप बस अंत तक बने रहिए हमारे साथ, जिस तरह से मैं बता रहा हूँ आप लिखे जाइए और नोट करते जाइए। फॉर एग्जाम्पल एक और लिखूं मैं विद्यालय, बस आपको यहाँ तक लिखना है, उसके आगे मैं आप बताऊंगा, ऐसा बताऊंगा कि आप कभी किसी भी यूट्यूब पे ये ट्रिक नहीं सीखे होंगे, और मैं बताऊंगा आपको जो डाउट हो आप इसी वीडियो में क्लियर हो जाएगा आपको, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कराइए। बस आपसे बस यही रिक्वेस्ट है, मैं आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो हमारे लिए आपको 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 भी मेरा फर्ज बनता है कि आप भी जितना से ज्यादा हो सके सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को। तो विद्यालय का जो संधि विषय होता है विद्या प्लस आयलय, तो मैं बोलूं फिर अगर रिपीट करूं, संधि में दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। यहां पे देखिए दो निकटवर्ती वर्ण राम और ये आयन, इन दोनों वर्णों के मेल से एक हमारा नया शब्द बन रहा है, एक हमारा नया शब्द बन रहा है रामायण। दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि करते हैं। जो विकार उत्पन्न हो रहा है यहाँ पे देखिए रामायण, यही मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। फिर फॉर एग्जाम्पल मेरे यहाँ तो विद्यालय, तो फिर यहाँ पे देखिए दो निकटवर्ती वर्ण, दो यहाँ पे आपको सब दिखाई दे रहा है, ये दो देखिए दो निकटवर्ती वर्ण यहाँ यही से हमारा ये संधि हुआ है, यही से हमने संधि किया हूँ। फिर मैं आपको आगे बताऊंगा स्वर संधि में, यहाँ मैं आपको बस समझाने के बता दूंगी जो दो निकटवर्ती वर्ण के आपस में मेल होता है वही हमें संधि होता है। तो मैंने यहाँ बताया कि संधि सार्थक शब्दों का मेल होता है, आप देखिए संधि सार्थक शब्दों का मेल होता है, इसमें हर्ष और दीर्घ का कोई भेद नहीं होता है। और इसके आगे मैं रिपीट करूं, आगे मैं बताऊं तो मैं इसको रफ करता हूं, थोड़ा सा वेट कीजिए। इसके आगे जो बात होता है कि संधि कितने प्रकार की होती है, संधि कितने प्रकार की होती है, तो हमारे संधि तीन प्रकार की होती है। संधि के प्रकार हेडिंग है बिल्कुल संधि के प्रकार, संधि तीन प्रकार की होती है। इसमें हमारा पहला हमारा है स्वर संधि, पहला हमारा स्वर संधि, दूसरा हमारा है व्यंजन संधि, और जो हमारा तीसरा है विसर्ग संधि। पहला हमारा स्वर संधि, दूसरा हमारा विसर्ग संधि, और दूसरा हमारा व्यंजन संधि, और तीसरा हमारा विसर्ग संधि। मैं फिर रिपीट करूं कि संधि
संधि का जो शाब्दिक अर्थ होता है मेल होता है, इसका डिफिनेशन की मैं बात करूं कि जब दो निकटवर्ती वर्णों के आपस में जब मेल होता है या जब दो निकटवर्ती शब्दों के आपस में मेल होने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं या वर्णों के मेल को हम संधि कहते हैं। संधि में हर्ष और दीर्घ का कोई भेदभाव नहीं होता है और इसमें सार्थक शब्दों पर संधि निर्भर करती है। मैंने आपके फॉर एग्जाम्पल दो आपको समझाया था, उस एग्जाम्पल को मैंने स्वर संधि में आगे में बताऊंगा कि कैसे मैं तोड़ा हूँ, कैसे आपको मैं बताऊंगा, ये आपको मैं आगे बताऊंगा, तो बस आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए। फिर मैंने आगे बात किया संधि के प्रकार। संधि तीन प्रकार की होती है, पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्जन। तो मैं पहला ले रहा हूँ स्वर संधि। फर्स्ट हमारा है स्वर संधि, इसका मैं यहाँ पे डिफिनेशन इसके बारे में एक एक पॉइंट में बताऊंगा, आप बस हमारे साथ बन रहे हैं। तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ, अगर आपको लिखना हो तब स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। बात करूँ स्वर संधि का, इस संधि का जो डिफिनेशन होता है इसका मैं लिख रहा हूँ, जब स्वरों को स्वरों से मेल होता है, स्वरों को स्वरों से मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है, विकार का मतलब परिवर्तन, जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। यह एक और डिफिनेशन में लिखूं यहाँ पे कि जब प्रथम वर्ण के अंतिम पद वो द्वितीय पद के द्वितीय वो द्वितीय जब प्रथम वर्ण के जब प्रथम वर्ण के अंतिम वर्ण जब प्रथम पद के अंतिम वर्ण वो द्वितीय पद के प्रथम वर्ण वह द्वितीय पद के प्रथम वर्ण स्वर हो उसे हम स्वर संधि कहते हैं। बोला है कि जब स्वरों को स्वरों से मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं, या जब प्रथम पद के अंतिम वर्ण वह द्वितीय पद के प्रथम वर्ण स्वर हो तो उसे हम स्वर संधि कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ बोलूंगा कुछ दिखाने के लिए स्वर संधि का, तो मैं यहाँ पर रामायण लू, फिर से मैं यहाँ फिर ले रहा हूं रामायण, रामायण
रामायण बोला कि जब प्रथम पद के अंतिम वर्ण और द्वितीय पद के प्रथम वर्ण स्वर हो, तो यहाँ पे आप देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं कि अगर मैं यहां से मैं आपको लू जब प्रथम पद के अंतिम वर्ण और द्वितीय पद के प्रथम वर्ण स्वर हो, तो यह हमारे यहाँ पे देखिए आ के मंत्र है, यह हमारा अ के मंत्र है आ के, तो मैं यहाँ पे संधि करूं तो हमारा ये देखिए र, ये तो हमारा र निकल गया, इधर हमारा मायर, इधर हमारा प्लस यहाँ पे चिन्ह लगा देंगे, इधर हमारा मायर हो जाएगा, जो हमारे निकल रहा है आ, यहाँ पे हमारा निकल रहा है आ, तो आ किस से बनता है, तो आ का निर्माण अ या आ प्लस आ या और से ही हमारा आ का निर्माण बनता है। अगर मैं अ को यहाँ पे दू तो र हमारा ये र हो जाएगा, जब यहाँ पे समांतर हमारा मतलब जब स्वर हमारे से निकल जाएगा तो हमारा ये आधा हो जाएगा, ये हमारा र आधा हो जाएगा। ये आपको ध्यान देना है कि जब भी हमारा व्यंजन से अगर स्वर निकल जाए तो हमारा आधा वर्ण हो जाएगा, यहाँ पे हमारा आधा हो गया, तो मैं जब यहाँ र दू तो हमारा ये पूरा र हो जाएगा, र यहाँ पे हमारा आ के मंत्र है, तो मैं आ यहाँ पे दू आ मायड हो जाएगा, ये हमारा सार्थक शब्द नहीं निकल रहा है, तो यहाँ पे हमारा संधि नहीं होगा, हमारा यहाँ पे हमारा जब मैं इसको अ दे दूंगा, इसको मैं इसको इससे बता रहा हूँ, जब इसको मैं अ दूंगा यहाँ पे हमारा आधा र रहेगा, जब इसको मैं अ दूंगा तो हमारा पूरा र हो जाएगा, ये पूरा र, अब यहाँ पे पूरा र हो जाएगा, तो हमारा इतना तक मैंने बात कर लिया है, इतने तक मैंने बात की, जब इतने तक मैं आगे जाऊंगा इसके तो मैं इसको अ दूंगा तो अमायण हो जाएगा, अगर आ तू तो भी हमारा अमायर ही हो जाएगा। यहाँ पे हमारा संधि यह कहता है कि संधि सार्थक शब्दों का मेल होता है, सार्थक शब्दों का मेल होता है, यहाँ पे हमारा संधि नहीं है। इसके जैसे मैं आगे बात करूं, आगे चलू तो हमारा रो तक हमारा नहीं, अब मैं यहाँ आ जाऊंगा म के पास, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे आऊ इस जगह पे मैं आऊं तो हमारा ये इतना आएगा पास में, इतना आ जाएगा, तो हमारा ये हो जाएगा राम, राम हो जाएगा, जब हमारा राम हो जाएगा तो ये हमारा पे ये हमारा जब बस यौन बचा है, हमारा बस इतना ही बचा यौन, और हमारा मंत्र बचा है, हमारा पे आ के मंत्र बचा है, यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ फिर समझा रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल है रामायण मेरे यहाँ पे है, रामायण में मेरा यहाँ तक मैंने उतार लिया हूँ, यहाँ तक मेरा साप राम, राम तक हमारा है, और यहाँ पे हमारा यन, यहाँ पे भी हमारा यन साप साप जो जो वहां पे लिखा मैंने उतार लिया, अब हमारा बीच में जो मंत्र बचा है आ के मंत्र, इसको मैंने यहाँ पे ले लिया हूँ आ, आ का निर्माण होता है ओ या आ प्लस आ या ओ से ही हमारा ओ का निर्माण होता है, तो इसको मैं ओ दे दूं तो ये हमारा राम हो जाएगा, इस यहाँ पे हमारा हलंत रहता है, तो जब इसको मैं ओ दूंगा तो हमारा ये पूरा म हो जाएगा, तो ये हमारा राम हो जाएगा, यहाँ तो मेरा ये राम हो जाएगा। अगर मैं इसको आ दूं, अगर इसको मैं आ दूं यहाँ पे तो मेरा रामा हो जाएगा, रामा, तो यहाँ पे मेरा रामा कोई शब्द नहीं है, रामा मेरा कोई शब्द नहीं बन रहा है, इसीलिए मैं यहाँ पे अ दूंगा, अ दूंगा तो मेरा राम, राम बन रहा है, तो यहाँ तक मेरा बात बन गया। अब जस्ट मैं इसको आगे बात करूं तो यहाँ पे अड़, अगर मैं इसको अ दूं अ तो यहाँ पे अ दे रहा, देखिए क्या बन रहा है, अड़ कोई शब्द नहीं है, यहाँ पे हमारा अड़ नहीं होगा क्योंकि हमें परिवर्तन करते समय रो को हमारा नौ में परिवर्तन हो जाता है, तो मेरा नौ हो जाएगा, तो अन हो जा रहा है, अयन हो जा रहा है, ये मेरे ओ हमारे पे सार्थक नहीं बन रहा है, या मैं अन दूंगा अन देकर यहाँ पे जब मैं आ देंगे, यहाँ पे जब आ लिखूंगा हमारे देखिए बोलते संधि बोलता है कि जब सार्थक शब्दों का मेल हो वहां पे संधि होते हैं, तो देखिए राम परस आयन अर्थात रामायण, यहाँ पे हमारा संधि सार्थक हो रहा है, इसी को बोल रहा है कि जब प्रथम पद के अंतिम वर्ण, यहाँ पे देखिए प्रथम पद के अंतिम वर्ण वह द्वितीय पद के प्रथम वर्ण
स्वर हो। यहाँ पे देखिए स्वर प्रथम पद के अंतिम वर्ण और द्वितीय पद के प्रथम वर्ण स्वर हो उसे हम स्वर संधि कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल से मैं यहाँ पे समझाती हूँ, इसके जस्ट मैं आगे बात करूं स्वर संधि के भेद, तो मैं इसको रफ कर रहा हूं, तो मैं आपको एक एक वर्ड मैं आपको यहाँ पर समझाते चल रहा हूँ, तो बस आप हमारे साथ अंत तक बन रही है और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। तो स्वर संधि के भेद, ये पांच प्रकार के होते हैं, पांच प्रकार होते हैं, ये पांच प्रकार के होते हैं। स्वर संधि पांच प्रकार के होते हैं, इसके मैं प्रकार लिख रहा हूं। फर्स्ट हमारे इसका होता है फर्स्ट होता है दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि। दूसरा होता है वृद्धि स्वर संधि, तीसरा होता है गुण स्वर संधि, चौथा हमारा होता है अयाति स्वर संधि, पांचवा हमारा होता है यवन स्वर संधि। मैं यहाँ बताऊं कि स्वर संधि पांच प्रकार के होते हैं, इसके मेरे पांचों प्रकार यहाँ पे लिख लिया हूँ। स्वर दीर्घ स्वर संधि, दूसरा वृद्धि स्वर संधि, तीसरा गुण स्वर संधि, चौथा अयाति स्वर संधि, पांचवा यवन स्वर संधि। मैं फिर रिपीट करूं सुर से स्वर संधि, स्वरों को स्वरों से जो मेल होता है मेल होने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं, या जब प्रथम पद के अंतिम वर्ण द्वितीय पद के प्रथम वर्ण स्वर हो तो वहां पे स्वर संधि होता है। फॉर एग्जाम्पल से मैंने आपको प्रूफ भी किया था कि किसको हम स्वर संधि बोलते हैं। स्वर संधि के पांच प्रकार होते हैं, मैंने पांचों प्रकार लिखा हूं, दीर्घ स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, गुण स्वर संधि, अयाति स्वर संधि, यवन स्वर संधि। तो मैं फर्स्ट स्टार्ट कर रहा हूं दीर्घ स्वर संधि, मेरा फर्स्ट है दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। इसको मैं रफ कर रहा हूं, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ। स्वर संधि में फर्स्ट हमारा है दीर्घ स्वर संधि, इसका मैं एक लाइन में बारे में लिखूं इसका, कि जब समान स्वर आए या जब समान वर्ण साथ आए, जब समान वर्ण साथ आए, या मैं ये भी लिख सकता हूं कि ह्रस्व दीर्घ के बाद अ ई अ छोटा अ ई छोटा हूं, ये इसके बाद के बाद ह्रस्व या दीर्घ के पश्चात बाद आ बड़ी बड़ा हूं आए, तो वहां पे हमारा दीर्घ संधि होता है। इसे बेहतर लिखने से मेरा मतलब है कि मैं एक लाइन में लिखूं, जब समान वर्ण साथ आए तो वहां पे दीर्घ संधि होता है। इसके बारे में बात करूं, जब भी स्वर संधि की बात हो तो स्वर संधि में हमेशा स्वर ही आते हैं, स्वर संधि में हमेशा स्वर ही आते हैं। यहाँ पे स्वर संधि लिखने से बेहतर मैं आपको दिखाऊं, इसको मैं लिख रहा हूं अ आ छोटी बड़ी छोटाऊं बड़ाऊं री। तो हमारे दीर्घ स्वर संधि में, दीर्घ स्वर संधि में मुझे बस आपसे यहां तक ही बात करना है, आपसे बस यहीं तक बात करना है। दीर्घ स्वर संधि में हमें इतने ही स्वर से आज काम चलना है, और दीर्घ स्वर संधि में इतने ही तक होता है,
तो मैं इसके आगे में बात करूं उद्योग संबंध में कि कौन से कौन बड़ मिलने से किसका निर्माण होता है और इसका कमजोरी में बताऊंगा कि इसका कमजोरी कहाँ होता है और कैसे हम पकड़ते हैं डायरेक्ट कौन सा दीर्घ स्वर संधि है, कौन सी गुण स्वर संधि है, कौन सी वृद्धि स्वर संधि है, इसका मैं यहाँ पे कमजोरी बताऊंगा। अब जैसे मैं पकड़ रहा था रामायण लिख रहा था विद्यालय कैसे मैं पकड़ लेता मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगा। यहाँ से सिखाने से आपको तुरंत माइंड में क्लिक हो जाएगा हाँ यहाँ पे दीर्घ स्वर संधि है। तो मैं बताऊं कि यहाँ पे मैं लिख रहा हूं कि ओ या आ प्लस आ या ओ से हमारा जब भी निर्माण होगा आ का ही निर्माण होगा। फिर से मैं आगे लिखूं ई या बड़ी प्लस बड़ी या छोटी से जब भी हमारा निर्माण होगा बड़ी का ही निर्माण होगा। छोटाऊ या बड़ाऊ प्लस बड़ाऊ या छोटाऊ से जब भी हमारा निर्माण होगा बड़ाऊ का ही निर्माण होगा। और री प्लस री जब भी निर्माण होगा री का ही निर्माण होगा। इसका मैं कमजोरी बताऊं पहचान बताऊं पहचान इसका आ का होता है जब भी जो मंत्र होता है ये हमारा आ होता है। इसका बड़ी का जो मंत्र होता है ये इस टाइप का होता है और बड़ाऊ का मंत्र हमारा इस टाइप का होता है और री के मंत्र इस टाइप होता है। तो हमारा कमजोरी यही है दीर्घ स्वर संधि की जो पहचान है यही है। जब भी आप आ बीच में आ बड़ी बड़ाऊ री का चिन्ह जब भी आए तो हमारे यहाँ पे दीर्घ स्वर संधि होता है। जब भी इस तरह का जो चिन्ह आए तब तो भी हमारा दीर्घ स्वर संधि होता है। और मैं एग्जाम्पल यहाँ पे लू आपको समझाने के लिए अब एग्जाम्पल पे चल रहा हूँ आपको कैसे समझाना है कैसे पकड़ना है और कैसे हल करना है। तो मैं फर्स्ट एग्जाम्पल ले रहा हूँ यहाँ पे मैं लिया था रामायण। अब यहाँ मैं आपको सिखा रहा हूँ रामायण आपको इसको संधि विच्छेद करना है तो आप पता कर सकते हैं आ के मंत्र कहाँ है। जब समान वर्ण साथ आए आपको आ के मंत्र दो जगह आपको दिखाई पड़ रहा है दो जगह आपको दिखाई पड़ रहा है एक आपको यहाँ पड़ रहा है एक आपको यहाँ पड़ रहा है आ के मंत्र बस आपको यही दो जगह पड़ रहा है। अगर मैं यहाँ से तोड़ू तो हमारा सार्थक शब्द नहीं मिल बन रहा था सार्थक शब्द नहीं बन रहा था। मैं आपको जब स्वर संधि चालू किया था वहां पर मैं दिखा रहा था सार्थक शब्द नहीं बन रहा था। जब यहाँ मैं आ के यहाँ पे जब यहाँ से मैं तोड़ रहा हूँ यह हमारा आ का मंत्र यहाँ पे निर्धारण हो रहा है। तो आ हमारा कैसे बनता है किस चीज से बनता है तो आ का निर्माण हमारा यहाँ पे लिख रहा हूँ ओ या आ प्लस आ या और से ही हमारा आ का निर्माण बनता है। तो हमारा आ का निर्माण बन रहा है तो यहाँ पे देखिए राम यहाँ पे हमारा जो शब्द बचेगा यहाँ तक हमारा ही बचेगा क्योंकि हमारा आ का मंत्र यहाँ पे तो मैं ले लिया हूँ यहाँ पे हमारा राम मो में हमारा हलंत हो जाएगा क्योंकि हमारा यहाँ पे जो स्वर है यहाँ पे व्यंजन से निकल गया था हमारे यहाँ पे आधा हो जाता है। जब भी व्यंजन से हमारा स्वर जो निकलता है यहाँ पे जो भी वर्ण होता है वो आधा हो जाता है यहाँ पे हमारा आधा हो जाएगा। प्लस यहाँ पे यम यम हो जाएगा र विच्छेद करते समय न में परिवर्तन हो जाता है ये आपको ध्यान देना है यम हो जाएगा। अगर मैं आपको यहाँ से आ दू यहाँ से मैं आ दू यहाँ पे रामा हो जाएगा रामा हो जाएगा। तो यहाँ मैं आ से न दू इसको मैं और दे रहा हूँ और दू मत यहाँ पे मेरा राम हो जाएगा यहाँ पे मैं और दू यहाँ पे मेरा राम हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ये हो गया। इसके जस्ट मैं आगे चलू तो यहाँ पे मैं और दू जिसे मैं यहाँ पे और दिया था और देने से मेरे यहाँ पे सार्थक शब्द निकल राम। अगर मैं यहाँ पे आ देता तो रामा यहाँ हमारा ये सार्थक शब्द नहीं बन रहे तो मैं सार्थक शब्द को संधि सार्थक शब्द पे निर्भर करती है यहाँ पे और दे रहा हूँ तो राम। अगर मैं यहाँ पे और दू और यहाँ पे हमारा और न हो जा रहा अयन हो जा रहा है तो अयन हमारे यहाँ पे सार्थक शब्द नहीं बन रहा है यहाँ पे हमारा सार्थक शब्द अयन नहीं बन रहा है तो यहाँ पे मैं और न देकर आ देंगे यहाँ पे हम जब हमारा आ देंगे यहाँ पे देखिए जब मैं यहाँ पे आ दे रहा हूँ आ यहाँ पे मिल ही रहा हूँ तो यहाँ पे सार्थक शब्द बन रहा है आयन
तो संधि हमारा यही कहता है कि जब सार्थक शब्द मिले उसी को हम संधि कहते हैं। यहाँ पर देखिए राम प्लस आयन रामायण, यहाँ पे सार्थक शब्द मिल रहा है इसीलिए संधि हमारा जब भी होती है संत कहता है कि सार्थक शब्दों को ही संधि कहते हैं, या सार्थक शब्द सार्थक शब्दों के मेल को ही संधि कहते हैं, या कि हमारा सार्थक शब्द मिल बनकर आया राम प्लस आयन यानी रामायण, ये हमारा संधि हो गया। संधि का मतलब यही होता है विकार उत्पन्न करना। देखिए रामायण में राम प्लस आयन इन दोनों से विकार उत्पन्न हुआ राम प्लस आयन, इसी को हम संधि कहते हैं। तो मैं यहाँ पे देखिए मैं चार टाइप लिखा हूँ, ये पहला दूसरा तीसरा चार, ये चारों टाइप से मैं विचार होते हैं, इनसे मैं दो दो यहाँ पे एग्जाम्पल मैं कराऊंगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, तो इसीलिए मैं दो दो यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहा हूँ यहाँ पे करा रहा हूँ। तो मैंने इसको मिटा रहा हूँ, इसको मिटाने से मैं आगे एग्जाम्पल में एक और दो ले रहा हूँ यहाँ पे, एक यहाँ पे ले रहा हूँ देवालय, सेकेंड एग्जाम्पल है देवालय, देवालय आपको दिवाले देखने से ही आपको ये माइंड में आपको क्लिक करना चाहिए, आपको ये माइंड में याद रखना चाहिए कि दिवाले दिवाले में हमारा कहाँ संधि है। तो हमारे यहाँ पे एक शब्द देखने को मिल रहा है, एक स्वर हमें आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे आक मंत्र, यहाँ पे आक मंत्र दिखाई दे रहा है। तो आक मंत्र किस संधि में आती है, तो आक मंत्र हमारे दीर्घ स्वर संधि में आती है, दीर्घ स्वर संधि इसकी हमारा कमजोरी है, पहचान ही है, ये हमारा पहचान है। इसको आपको याद करना है कि दीर्घ स्वर संधि में कौन सी पहचान इसकी कमजोरी यही है, आपको बस इतना ही याद करना है, ये चारों आप याद कर लेते हैं तो दीर्घ स्वर संधि से कि कहीं से भी आपको घुमा फिरा कर पूछे एग्जामिनर आप हल कर लेंगे। यहाँ पे देखिए देवालय, देवालय यहाँ पे मैं देखिए आ जब हमारा यहाँ पे निकल कर आएगा तो आ का निर्माण हमारा देखिए यहाँ पे किसी से बना है, ओ या आ या आ या आ, यही से देखिए मैं दिखा रहा हूं आ का निर्माण ओ या आ प्लस आ या ओ, इसी से हमारा आ का निर्माण यहाँ पे बना है, आ का निर्माण बन रहा है। तो जब मैं आ का यहाँ पे मंत्र जो आ का जो स्वर है आ यहाँ पे मैं जब निकालूंगा तो बस हमारा बच जाएगा देव, देव के नीचे हमारा ओ के नीचे हमारा हलंत हो जाए, क्योंकि हमारा यहाँ पे स्वर जब निकल जाता है तो व्यंजन हमारा आधा हो जाता है, स्वर जब निकलेगा तो व्यंजन हमारा आधा हो जाएगा। अब जब यहाँ पे आ निकल जाए तो हमारा प्लस, अब पीछे हमारा बचा है लय, बस हमारा बचा है लय। अब आपको इसमें देना है कौन सा मैं यहाँ पे दू कि हमारा जो शब्द बने सार्थक शब्द बने। अगर मैं यहाँ पे आ के मंत्र दू आ, यहाँ पे आ जब दूंगा यहाँ पे देवा, यहाँ पे हलंत हट जाएगा देवा, यहाँ पे देवा देने से हमें सार्थक शब्द नहीं बन पा रहा है। आपको पढ़िए ना, खुद पढ़िए, देवा देवा कोई शब्द नहीं है, आपको कोई सार्थक शब्द नहीं बन रहा है। हम यहाँ पे आ का मंत्र न देकर, आ का मंत्र न देकर सीधे हम और देंगे यहाँ पे, और का जब हम मंत्र देंगे तो देव, ये हमारा देव बन जाएगा। देव हमारे यहाँ पे सार्थक शब्द बन रहा है, यहाँ पे हमारा देव हो जाएगा, यहाँ पे मुझे और देने से हमें सार्थक शब्द का निर्माण हुआ देव। देव यहाँ तक हमारा बात हो गया, यहाँ तक हमारा हो गया देव। इसके जस्ट मैं आगे चलू, यहाँ पे जब मैं और दूंगा और अलय हो जाएगा, और देने से हमारा अलय हो जाएगा, तो अलय हमारा सार्थक शब्द का निर्माण नहीं कर पा रहा है। अलय अलय हमारा सार्थक शब्द का जब निर्माण नहीं कर पाएगा तो हमारा संधि कहता है कि संधि सार्थक शब्दों का मेल होता है। जब सार्थक शब्दों का मेल होता है तो अलय हमारा कोई संधि नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे सार्थक शब्द नहीं बन रहे हैं। हम यहाँ पे अ न देकर जब यहाँ पे आ देंगे तो मेरा यहाँ पे हो जाएगा आलय। पढ़िए आलय, देव प्लस आलय देवालय। यहाँ पे जो विकार उत्पन्न हो रहा है उसी को हम संधि कहते हैं। यहाँ पे जो विकार आपको बस इसी यहीं से देना है, अगर आप संधि कर लिए तब किसी का नाम गलत नहीं लिखेंगे। अगर संधि सीख गए तो किसी का नाम आप गलत नहीं लिखेंगे, ये मेरा वादा है आपसे। तो देवालय देवालय का संधि विषय होता है देव प्लस आलय। आपको इसमें से इसी तरह से आपको करना है। तो मैं आ के मंत्र पे एक और बता रहा हूँ, हर मंत्र हर स्वर पे मैं दो दो बताऊंगा क्योंकि वीडियो लंबी ज्यादा हो जाएगी।
इसलिए मुझे प्रॉब्लम हो जाएगा। तो मैं यहाँ एक एक मतलब दो दो यहाँ पे एग्जाम्पल मैं दूंगा आपको सिखाने के सिखा रहा हूँ। तो मैंने आके मतलब दो एग्जाम्पल मैंने करा दिया हूँ, तो इसके मैं जस्ट आगे बढ़ूं और मैं इस पे चल रहा हूँ छोटी या बड़ी इस पे मैं चल रहा हूँ इसमें मैं चलू इसका एग्जाम्पल लू मैं लक्ष्मी छा यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लक्ष्मी छा इसका एग्जाम्पल मैं लू तो यहाँ पे आपको बताया कि दीर्घ स्वर संधि में आपको कमजोरी बस पकड़ना है। अगर आप कमजोरी पकड़ लेते हैं तो आपको चंद मिनट में आप यहाँ पे आ जाएगा। तो आप यहाँ पे देखिए ना आपकी जो कमजोरी यहाँ पे बड़ी की मात्रा है, इस एग्जाम्पल में आपकी बड़ी की मात्रा यहाँ पे कमजोरी दिखाई दे रही है दे रहा है। तो बड़ी की मात्रा आपको किससे बनता है ये आपको याद रखना चाहिए। बड़ी की मात्रा आपको किससे बनता है ये आपको याद करना है। तो बड़ी का मंत्र आपका बनता है छोटी या बड़ी प्लस बड़ी या छोटी, इसी के निर्माण से हमारा बड़ी चिन्ह का निर्माण होता है। तो यहाँ पे लिखो, अब यहाँ पे देखिए मेरा जो भी जो बचा है आपको बस यहीं तक आपको बचा है यहाँ पे हमारा हो जाएगा ये हमारा पिलर हो जाएगा प्लस यहाँ पे हमारा यही बस बच रहा है। तो इसको मैं लिखूं, अगर मैं इसको यहाँ पे छोटी का जब यहाँ पे मैं चिन्ह दूंगा छोटी का ये हमारा यहाँ पे हो जाएगा लक्ष्मी। आपको देखिए खुद देखने में भी आपको परेशानी मतलब अच्छी नहीं दिख रही होगी, यहाँ पे बोलने में भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है। यहाँ पे संधि हमारे जब भी बोलते हैं कि संधि सार्थक शब्दों का मेल होता है। यहाँ पे देखिए देखने में आपको यहाँ अच्छा नहीं लग रहा कि यहाँ पे मैं छोटी के मंत्र न देकर अगर मैं बड़ी के मंत्र दू यहाँ पे तो लक्ष्मी में जब भी हमारा जो मंत्र होता है बड़ी का मंत्र होता है, ये आपको याद रखना है। जब भी लक्ष्मी मंत्र हमारा होता है बड़ी का मंत्र होता है। तो इधर हमारा हो गया लक्ष्मी, अब इधर तक हमारा बात हो गया लक्ष्मी। अब मैं इसके जस्ट आगे बढ़ू इधर में जब बड़ी का यहाँ पे मैं चिन्ह दूंगा बड़ी का, तो यहाँ पे हमारा इच्छा यहाँ पे हमारा सही नहीं दिख रहा है। अब देखिए इच्छा हमारा यहाँ पे सही नहीं दिख रहा है, हम यहाँ पे बड़ी का न देकर यहाँ पे जब मैं छोटी का यहाँ पे दूंगा इच्छा, अब मैं छोटी का मंत्र जब दूंगा यहाँ पे हमारा देखिए अब लक्ष्मी प्लस इच्छा यहाँ पे हमारा सार्थक शब्द मिल रहा है। तो सार्थक शब्द को ही संधि कहते हैं। तो आपको इसी तरह से देखना है कहाँ पे कौन सी संधि है, पहचान आपको बस याद करना है। आ के मंत्र, बड़ी के मंत्र, बड़ाओं के मंत्र, रि के मंत्र आपको यहाँ पे याद करना। इसके जैसे मैं आगे एग्जाम्पल एक और लू इसी पे मैं इसके एग्जाम्पल में एक और लू इसी पे रविंद्र। अब यहाँ पे देखने से ही आपको पता चल रहा है कि हमारा संधि कहाँ होगा। तो संधि आपको यहाँ पे देखने से मिला, तो संधि हमारे यहाँ पे बड़ी की जो मंत्र है यही भी हमारा संधि है। क्योंकि तो हमारा यहाँ पे मैं दिया हूँ दिखाया हूँ पहचान में इसकी कमजोरी कहाँ पे दीर्घ स्वर संधि की कमजोरी होती है, यहाँ पे हमारी बड़ी के मंत्र यही भी हमारा कमजोरी है। तो बड़ी का निर्माण हमारा कहाँ होता है, किस शब्द से निर्माण होता है हमारा बड़ी का, मैं लिख रहा हूँ बड़ी शब्द का, इसका निर्माण ई या छोटी या बड़ी मतलब प्लस छोटी बड़ी या छोटी से ही हमारा बड़ी का निर्माण होता है। तो मैं यहाँ पे लिखूं इसके संधि में आप विशेष करूं इसको, तो हमारा यहाँ पे र
ये हुआ, वो तो नीचे हमारा हलंत हो गया, गया। अब प्लस द्रव, ये हमारे पे बच जाएगा। जब यहाँ पे मैं बड़ी का मात्रा यहाँ पे ले रहा हूँ, तब बस यहाँ पे रव और द्रव यही हमारा बस बच रहा है। तो मैं यहाँ पे जब बड़ी का मात्रा यहाँ पे लू, बड़ी का चिन्ह यहाँ पे मैं जब लू बड़ी का, ये हमारा हलंत हट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा रवि। तो रवि हमारे यहाँ पे सही है कि गलत है, खुद डिसाइड कीजिए। रवि जो मैं यहाँ पे लिखा हूँ वो सही है कि गलत है, आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। तो रवि मैं यहाँ पे गलत लिखा हूँ, इसीलिए मैं बोला है कि संधि आप जब भी करेंगे तो संधि कर लेंगे तो आपको किसी का नाम जब लिखेंगे आप तो गलत नहीं होगा। यहाँ पे हमारा रवि गलत हो रहा है, यहाँ पे हमारा जो भी मंत्र होगा छोटी का होगा, रवि में हमारा छोटी का मंत्र होगा रवि। यहाँ पे देखिए कितना अच्छा दिख रहा है, तो हमारे यहाँ पे छोटी का मंत्र हो जाएगा रवि। अब यहाँ पे मेरा सही है रवि। अब मैं इधर लिखू, इधर मैं लिखू यहाँ पे बड़ी का मंत्र लो, यहाँ बड़ी का मंत्र यहाँ पे मेरा अच्छा नहीं दिखेगा, सार्थक शब्द नहीं बन रहा है बड़ी। यहाँ पे देखिए इंद्र, इंद्र इसे लिखा जाता है, इंद्र आप खुद सोच सकते हैं इंद्र हमारा गलत है। जो मैं यहाँ पे इंद्र लिखा हूँ गलत लिखा हूँ, क्योंकि इसमें इंद्र में ई का बड़ी का मंत्र नहीं होता है, छोटी का इंद्र में जब भी मंत्र होता है छोटी का होता है। यहाँ पे हमें बड़ी का मंत्र लिखा, छोटी के लिखूंगा। यहाँ पे देखिए इंद्र, तो रवि प्लस इंद्र, यहाँ पे सार्थक शब्दों का मेल हो रहा है, इसी को संधि कहते हैं। तो मैं दो दो एग्जाम्पल, मैंने बोला था कि दो दो एग्जाम्पल मैं लूंगा, तो मेरा बड़ी पे भी मैंने दो एग्जाम्पल ले लिया, और मैं चल रहा हूँ बड़ाओं पे, बड़ाओं पे मैं दो एग्जाम्पल इसको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको। अब इसको मैं आगे बात करूं लघु में, लघु में लघु में तो मैंने आपसे बोला था, आपको खुद अब माइंड में क्लिक कर रहा होगा कि सर आप तो बोले थे कि बड़ी का मंत्र होगा कि यहाँ पे छोटी का मंत्र है, कंफ्यूजन यहाँ पे आपको बढ़ सकता है। आप बोल सकते हैं यहाँ पे सब छोटी का मंत्र है, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं यहाँ पे संधि होगा, आप बोल सकते हैं कि आपको अंदर डाउट है। तो मैं यहाँ पे पहचान में लिखा हूँ कि दीर्घ स्वर संधि में पहचान जो कमजोरी होता है, यहाँ पे बड़ी का मंत्र आ के मंत्र होता है, बड़ी का मंत्र होता है, बड़ाऊ का मंत्र होता है, री का मंत्र होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे बड़ी का मंत्र नहीं है, तो आपको यहाँ पे बड़ी का मंत्र नहीं, यहाँ पे संधि नहीं है, यहाँ से आप हट सकते हैं, यहाँ पे संधि नहीं है, संधि नहीं है। आप यहाँ पे देखिए बड़ी का मंत्र कौन सा है, बड़ी का मंत्र कौन सा है, यहाँ पे बड़ी का मंत्र यहाँ पे हमारा यहाँ पे दिख रहा है, बड़ी का मंत्र यहाँ बड़ाऊ का मंत्र यहाँ पे ये है, ये इस चीज का निर्माण किसे होता है, कैसे होता है इसका निर्माण, कैसे होता है इसका निर्माण, छोटी छोटाऊ या बनाऊ प्लस बनाऊ या छोटाऊ, इसी सब से हमारा निर्माण बड़ाऊ का होता है, बड़ाऊ का निर्माण हमारा इसी इन्हीं शब्दों से निर्माण होता है। यहाँ पे देखिए मैं लिखा हूँ बड़ाऊ का निर्माण कैसे होता है, इन्हीं शब्दों से हमारा बड़ाऊ का निर्माण होता है, यहाँ पे देख लीजिए इसी शब्द से निर्माण हो रहा है। तो यहाँ पे जो शब्द बचा है यहाँ पे लग, जब यहाँ से मेरा स्वर निकलेगा यहाँ हमारा ये आधा हो जाएगा, आधा जगह तो हलंत, इधर से हमारा बच जाएगा, यही हमारा शब्द बचा है। अब आपको ये चीज देना है कि लघु में छोटाओ की मंत्र देता है कि बड़ाओ की मंत्र देता है। अगर मैं यहाँ पे बड़ाओ की मंत्र दू यहाँ पे, यहाँ पे देखिए लघु, लघु आप पूछ सकते लघु में सही लिखा हूँ कि गलत लिखा हूँ, आप खुद सोच सकते हैं कि सही लिखा हूँ कि गलत है। लघु में मेरा छोटाओ की मंत्र रहता है कि बड़ाओ की मंत्र रहता है, आप खुद सोच सकते हैं। तो लघु में हमारा हमेशा छोटाओ की मंत्र रहता है, यहाँ पे मैं बड़ाओ की मंत्र न दे पा, यहाँ पे हमारा आएगा छोटाओ की मंत्र, तो इधर हो जाएगा लघु, इधर में छुटाऊ को देना तो हमारे इधर जगह लघु उर्मी। अब यहाँ पे हमें देना है मिर्री, तो यहाँ पे मैं बड़ाऊ का दू जब मेरा अच्छा दिखने दिख रहा है, देखिए मैं दे रहा हूँ बड़ाऊ का उर्मी, यहाँ पे देखिए उर्मी क्या सही लिखा हूँ मैं, सही लिखा हूँ मैं, आप खुद सोच सकते हैं।
खुद सोच सकते हैं कि मैं सही लिखा हूं कि गलत लिखा हूं। तो मैं यहां पे गलत लिखा हूं, यहां पे भी हमारा छोटा का ही चिन्ह आएगा, तो हमारा यहां पे ऊ हो जाएगा उर्मी। तो लघुर्मी का जो संद विच्छेद होगा लघु प्लस उर्मी, लघु प्लस उर्मी। तो आपको बस चिन्ह पे ध्यान देना है कहां पे हमारा संधि है, ये आपको यहां पे ध्यान देना है। तो लघुर्मी का जो संद विच्छेद होगा लघु प्लस उर्मी, क्योंकि संधि हमारा बोलता है कि संधि सार्थक शब्दों का ही मेल होता है। तो लघुर्मी का लघु प्लस उर्मी। इसका जस्ट मैं एक और एग्जांपल में यहाँ पे दूं, आपको सिखाऊंगा आपको सिंधु उर्मी। सिंदूर, अब आप खुद सोच सकते हैं कि हमारा संधि कहाँ है। यहाँ पे मैं तो पहचान में बोला हूँ, आप बोल सकते हैं कि सर आप पहचान में तो आ के मंत्र दिए हैं, बड़ी के मंत्र दिए हैं, पड़ाऊ का मंत्र है, री के मंत्र है, इसमें से तो आप, इसमें से तो कोई एक चिन्ह दिख रहा है आपको, इसमें से तो आपको कोई एक चिन्ह दिख रहा है आपको, खुद खुली आंखों से आप देख सकते हैं, इसमें से आपको किसी का एक चिन्ह का दिख रहा है आपको, आप बोल सकते हैं कि हाँ सर यहाँ पे हमें एक चीज का यहाँ पे दिख रहा हूँ, मैं पड़ाऊ का मंत्र यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। जब पड़ाऊ का मंत्र आपको दिखाई दे रहा है तो आपको दिमाग में क्लिक करना होगा कि हाँ यहीं पे एक संधि है, यहीं पे संधि होगा, इसी चीज पे संधि का निर्माण होगा। तो हमारा पड़ाऊ का जो चिन्ह होता है इसका किससे कैसे निर्माण होता है, तो छोटाऊ या बड़ाऊ, बड़ाऊ या छोटाऊ, इसी से हमारा पड़ाऊ का निर्माण होता है। तो जो हमारा बच गया है मैं इसको यहां पे लिख रहा हूं सिंध नीचे हवन, क्योंकि हमारा जो बड़ाऊ का मंत्र है ये तो मैं हटा दिया हूं वहां से, तो यहां पे हटाऊंगा तो यहां पे मेरा प्लस हो जाएगा, प्लस का निर्माण यहीं पे होता है। इधर ये बच गया, तो अब आपको ये ध्यान देना है कि सिंधु में छोटाओं की मात्रा रहती है कि बड़ाओं की मात्रा रहती है, सिंधु में छोटाओं की मंत्र रहती है कि बड़ाओं की मंत्र है। अगर मैं यहाँ पे बड़ाओं की मंत्र लिखूं, बड़ाओं की मात्रा लिखूं, तो यहाँ पे अच्छा आपको दिख रहा है क्या सिंधु ऐसा ही लिखा जाता है, क्या सिंधु ऐसा ही लिखा जाता है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या सिंधु ऐसा ही लिखा जाता है, तो नहीं, सिंधु हमारा, सिंधु में जो हमारा मंत्र होता है छोटी की मात्रा होती है, तो यहाँ पे हमारा छोटी के साथ हम चले जाएंगे सिंधु। अब यहाँ पे उरु, यहाँ पर मैं बड़ाओं की मंत्र लिखूं, जब बड़ाओ लिखने से विकार उत्पन्न हो रहा है, कुछ आपको फीलिंग हो रहा है, कुछ आपको दिखाई दे रहा है, क्या मैं सही उर्मी सही लिखा हूं, क्या उर्मी मैं यहाँ पे सही लिखा हूं, तो आपको मैं बता दूं उर्मी मैं गलत लिखा हूं। यहाँ पे हमारा बड़ी के मंत्र न होकर जो मंत्रा होगी यहाँ पे छोटी के मंत्र हो जाएगा, सिंधु प्लस उर्मी, सिंधु प्लस उर्मी, यहाँ पे सिंधु उर्मी का जो संद विच्छेद हो जाएगा सिंधु प्लस उर्मी, सिंधु प्लस उर्मी। तो सिंधु उर्मी का सिंधु प्लस उर्मी ये हमारा संद विच्छेद हो गया। इसके जस्ट मैं आगे बात करूं री वाले पे, री वाले पे मैं चलूं, इसको मैं रफ कर रहा हूं, री वाले पे मैं एग्जाम्पल लू मातृलोक, नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है मातृलोक। तो मैं यहाँ पे दिखाऊंगा लिखाऊंगा री, री का निर्माण कैसे होता है, किस शब्द से होता है, यहाँ पे मैं देखिए री, यहाँ पे मैं री लिखा हूं, इसका निर्माण यही हमारा री इधर निकल जाएगा, तो ये री प्लस री, इसी से हमारा री का निर्माण होता है। ये हमारा काफी सरल होता है, ये हमारा दीर्घ स्वर संधि में काफी अच्छा मतलब
छोटा एग्जाम्पल होता है, इसमें हमें करने करने में कोई दिक्कत नहीं होती। देखिए आपको मात मात हो जाएगा, नीचे वाला अंत हो जाएगा, प्लस रा हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको बस दोनों तरफ री दे दीजिए, री अब यहाँ पे री दे देंगे, मातरी प्लस ऋण, मातरी प्लस ऋण, मातरी प्लस ऋण, आपको बस यही देना है। मातृण का संधि विच्छेद हो जाएगा मातरी प्लस ऋण, क्योंकि हमारा री का निर्माण ही होता है री प्लस री से ही होता है, री का निर्माण री प्लस री से ही होता है। तो ये मेरा काफी आसान रहता है। इस पर मैं एक और एग्जाम्पल लू, पितृण, पितृण, मेरा नेक्स्ट एग्जाम्पल है पितृण। यहाँ पे जो हमारा नीचे जो नीचे री दिखाई दे रहा है, यहीं भी हमारा संधि होगा, यहीं भी हमारा संधि होगा। जब यहाँ पे मेरा संधि होगा तो नीचे हो जाएगा री से ही हमारा बनता है, री प्लस री से ही हमारा री का निर्माण होता है। तो नीचे हो जाएगा पितृ, क्योंकि दोनों तरफ हमें री देना है, री प्लस री से बनकर से बनता है री, तो पितृ प्लस इधर हो जाएगा ऋण। तो मैं आपसे वादा किया था कि एग्जाम की दृष्टि से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं मैं इस वीडियो में आपको कवर करूंगा। तो मैं वादे के मुताबिक आपको भी कुछ फर्ज बनता है कि जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। इसका एग्जाम पर मैं और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कवर करूंगा। अगर आपको डाउट हो तो आप ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8545873153, आपको जो भी क्वेश्चन फंस रहा होगा दिव्य सोल्यूशन से, आप इसको क्वेश्चन भेज कर आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। या उससे पहले मैं ये बात कहूँ कि अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, और सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और जो भी कमी हो आप कमेंट के माध्यम से आप हमसे कमेंट करके सीधे पूछ सकते हैं। जिस क्वेश्चन में आपको डाउट हो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और इस व्हाट्सएप पे आप इस नंबर पे आप कॉल मत कीजिएगा, इस पे आप बस मैसेज ही करना है आपको व्हाट्सएप मेरे नंबर पे, आपको बस सिर्फ मैसेज करना है कि आपको कोई भी क्वेश्चन फंस रहा है मैसेज कीजिए, तो इसको सोल्यूशन अगले वीडियो में आपको प्रूफ के साथ में आपको करा देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।